गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 8 का दूसरा पार्ट, प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए से बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सबने ध्यान देना है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को किसके पास भेजा। फिर सुनो, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को किसके पास भेजा। तो बच्चों, उत्तर है हमारा, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को श्री कृष्ण के पास भेजा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा। तो बच्चों, उत्तर है हमारा, घर पहुंचकर सुदामा ने ये चमत्कार देखा, उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई थी। पाठ से आगे है बच्चों, आप सच्चा दोस्त किसे कहेंगे। तो बच्चों, हम सच्चा दोस्त उसे ही कहेंगे जो हमारी मुसीबत में काम आए। तो बच्चों, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, जो हमारे दुख सुख में काम आए, जो हमारे कठिन समय में मदद करें, ठीक है ना बच्चों। तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि आप सच्चा दोस्त किसे कहेंगे जो मुसीबत में काम आए। आगे है भाषा ज्ञान बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसकी क्या डेफिनेशन हुई, जो शब्द संज्ञा, संज्ञा क्या होता है बच्चों, नाम है ना, जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या दिए हैं, मैं, ये, वह, है ना, वह, ये, तुम, ये सारे क्या दिए हैं, उदाहरण। नाम की जगह हम ये शब्द लगाते हैं, मैं, वह, ये, तुम, आ। अब नीचे क्या दिया है बच्चों, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाकर लिखिए। इधर हमने गोला लगाना है और इधर हमने सामने लिखना है। अब देखो, कृष्ण आपकी मदद जरूर करेंगे, तो आपकी जो है बच्चों वो सर्वनाम शब्द है और हमने यहाँ पे लिखना है आपकी। उनका जीवन गरीबी से भरा था, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द है, उनका। फिर इधर क्या है, उन्होंने सुदामा के पैर धोए, इसमें उन्होंने। मैं पत्नी से क्या कहूँगा, इसमें आया मैं। सुदामा अपने घर पहुंच गए, इसमें आया अपने। तो हमने किस किस को सर्कल किया, आपकी, उनका, उन्होंने, मैं, अपने, ये सारे शब्द जो हैं बच्चों सर्वनाम है और हमने यहाँ पे लिखने हैं, आपकी, उनका, उन्होंने, मैं, अपने। अब उसके बाद नीचे नीचे देखो बच्चों, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो पहला हमने क्या बनाना है बच्चों, द्वारका, द व कुआ र क कुआ, द्वारका। उसके नीचे है ग र को बड़ी ई, ब को बड़ी ई, गरीबी। आगे पोटली बनाना है, प को ओ, ट ल को बड़ी ई, पोटली। नीचे झ को ओ, प ड को बड़ी ई, झोपड़ी, झोपड़ी। आगे क्या, च को आ, व ल, चावल। आगे क्या है इसके बाद, चावल के बाद च को छोटी ई, त बन गया चकित। तो बच्चों, आपने भी अपनी मात्रा की क्या करनी है, पहचान करनी है। पहचान करके बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपको अच्छी तरह मात्राओं की पहचान होनी चाहिए। आगे बच्चों, इधर आ जाओ, पेज नंबर 53। कौन सा पेज नंबर है, 53 में बच्चों, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जो उल्टा अर्थ बताए, है ना, जो शब्द का उल्टा अर्थ बताए वो विलोम शब्द कहलाता है। तो बच्चों, इन्होंने मैचअप दिए, विलोम शब्दों का
मिलान कीजिए दोनों तरफ दिए। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में शब्दों का उसी के साथ विलोम शब्द लिखना है, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए। अंदर का बाहर, पक्के का कच्चे, गरीबी का अमीरी, मित्र का शत्रु। तो आप बच्चों ने भी ऐसे ही लिखना है, मैंने नंबर भी दिए हैं, आप नंबर भी पुट कर सकते हो। आगे सुनिए और बताइए कि बच्चों आपका होमवर्क है। अब नीचे आइए, शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और लड़ी को आगे बनाइए। जैसे देखो बच्चों, जो खिलौना है, न के बाद आ गया नाटक, फिर क अंत में आया, क से कबूतर बनाया, र से रंग बनाया, एंड में गमला बनाया, ल आया, ल से लाभ बनाया, भ से भालू बनाया, फिर ल से लकड़ी बनाई, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, आ कुछ नहीं गया है, कृष्ण, ये पहले वाले में देखो, कृष्ण के असंख्य नाम हैं, उनमें से मुरलीधर और गिरिधर जो हैं वो प्रमुख नाम है। तो वो कहता है कि आप ही कोई कृष्ण जी के कोई और दो नाम का पता लगाइए और फिर लिखिए। तो जी बच्चों, आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद सुनिए और बताइए, ये होमवर्क है, ये हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा था ना, तो ये आपने खुद कर सकते हो और खुद करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों, आपने अच्छी तरह से इस लेसन की प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न भी करना है। तो बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद।